तेरे पीछे जाना। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। धूप पड़ रही है एक्चुअली। सोच रहा हूँ आज नहाई दूँ, चार पाँच दिन हो गया नहाए हुए, तो अजीब सा लग रहा है थोड़ा। ठंड बहुत है पर कोई नहीं, नहा लेते हैं। तब तक ये धूप अभी बिल्कुल सामने से आ रही है, तब तक ये धूप पिछली साइड आई थी और वहाँ पर एक बढ़िया जगह रील्स बनाने के लिए वहाँ जाके रील्स बनाएंगे, एक शॉर्ट्स बनाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, क्या करना है। फिलहाल तो धूप तो लेट जाएगी, तब तक कुछ और काम है, थोड़ा घूमते फिरते हैं, जगह दिखाते हैं मस्त मस्त। एट जगह जाना है यार, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, पर वंश आ रहा है, वंश कहिया हुआ है, वो आएगा फिर निकलते हैं। बाइक घर वाले अंदर बैठ के बातें बूते कर रहे हैं और अभी ये देखो आप, अब तक क्या चमक रही है वो बर्फ, देखो ऊपर ऊपर। चलो तब तक मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करके चाय जो पी के आता हूँ, आप देखो ये चीज़ें और मिलते हैं बाद में। गुड बाय, गुड डे टू यू। यहाँ पे ना मुझे लगता है लोगों वाले जाए टेंशन नहीं है, रोड पे खड़े रहते हैं राके, मतलब पूरा भरोसा कि जो बंदा आएगा गाड़ी लेके रुके रुकेगा चाहे हम मोड़ पे खड़े हैं कहीं भी, कोई टेंशन नहीं है, चिल रहते हैं बंदे। ये चीज सही है, यहाँ पे शांत रहते हैं सारे। मैं ना परसों एक बात बताता हूँ, हम वहाँ खड़े थे भदरवा मेन रोड, मेन रोड की बात कर रहा हूँ, हाईवे की। हम वहाँ खड़े हैं, मैं और वंश और एक अंकल आए, उन्होंने गाड़ी बीच रोड में लगाई, गाड़ी से उतरे और अपने दोस्त का इस साइड पे खड़ा उनका उनका हाल पूछने चले गए। भाई गाड़ पीछे 10 गाड़ियां खड़ी होगी, किसी ने कुछ नहीं बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो, कुछ कुछ नहीं। ऐसा अगर जम्मू होता मैं कह रहा हूँ बंदों को फैन देते पोड़िया, साले कहाँ गया था गाड़ी छोड़ के, और वो बंदा बीच रोड में गाड़ी लगा गया, कहीं लगा रहा मारो मंच लगा था, कहाँ लगी गाड़ी, क्या कर रहा था अंकल वो भाई गलती है। मतलब एक बात है, यहाँ पे लोग बहुत शांत है यार, मतलब बिल्कुल सुकून होता है ना जिंदगी वो है यहाँ पे। सो गाइस फिलहाल हम अभी हम जा रहे हैं समोसे खाने, क्योंकि ये मन कर गया था समोसे खाने का, तो हम निकल पड़े हैं समोसे ढूंढने, जहाँ मिलेंगे ले आएंगे। और ये बंदा यहाँ रहता है, सो कुछ नहीं पता कहाँ मिलता है, क्या कहाँ मिलता है भाई समोसे देख लो। तो ऋतिक का पैन कार्ड भी लेना है, उसका पैन कार्ड भी आया हुआ है, वो भी लेना है और समोसे भी खाने हैं। तो चलो आप ये देखो हमें सामने पहाड़ जो बर्फ वाले पड़े हैं, आप वो देखो, तब तक हम पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय। सो कहीं भी ढूंढ के नहीं मिले समोसे, अब एक ही जगह वो टेस्ट आला है वहाँ पे ही मिलेंगे, पर यार वहाँ पे सही लग नहीं रहे थे इसलिए मैं लिए नहीं, पर चलो देखते हैं लेके, अगर अच्छे हो तो खा लेंगे, नहीं तो खा ही लेंगे, क्या करना, दो तीन ले लेते हैं ना पहले टेस्ट करने के लिए, फिर अच्छे होंगे तो फिर सबके लिए ले जाएंगे घर पे, ठीक है। तो चलो जो समोसे का स्ट्रगल है यहीं तक था, वेटिंग मोड में मिल गया समोसे कुलचे दोनों पैक करा दिए, मंच लेके आ रहा है, मैंने बिल्कुल बिल्कुल दे दिया उनका, बस निकल रहे हैं यहाँ से, अभी आएगा समोसे लेके, ऐसा कुछ नज़ारा, अभी आएगा समोसे लेके, फिर निकलते हैं यहाँ से, समोसे मिल के एक तो टेस्ट भी कर लिया वहीं पे, टेस्ट भी करके देख लिया कैसा कैसा नहीं, तो बढ़िया थे, इसलिए सबके सबके लिए हमने थोड़े थोड़े पैक करवा लिए। और कुलचे देखे यार वहाँ पे, न्यूट्रियल कुलचा भी था, मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं कैसा है। मोमोज कल खाए थे तो मोमोज तो अच्छे थे, तो कुलचे भी अच्छा ही होना चाहिए, वैसे न्यूट्रीवल कुलचे तो अच्छे होते हैं, पर देखते हैं कैसा निकलता है। फिलहाल वन शार लेके मैं आ गया यहाँ पे, फोन करना था इसी को जरूरी, थोड़ा पर्सनल कुछ फोन नहीं करना था, मैंने कहा थोड़ा व्लॉग बना लेता हूँ, वहाँ पे पैक करा रहा है, पेमेंट कर दी थी, मैंने कहा चल तू आ लेके आ, थोड़ा व्लॉग बना लेता हूँ मैं, तो यही था फिलहाल, आता है वो, तो निकलते हैं यहाँ से, गड्ढा चाय जो पीते हैं, फिर शाम को एक जगह जाना है वहाँ, बढ़िया सी जगह, मतलब जब सनसेट होता है ना उस टाइम, जब अभी मतलब सूरज उस तरफ है, जब वहाँ से पैसे घूम के पीछे वाली साइड आएगा ना, फिर मस्त एक वीडियो बनेगी, तो वो बनाने जाएंगे शाम को, वो दिखाऊंगा व्यू, बाकी घर जाके ये खा के फिर खाना खाना खाते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है, चलो गुड डे टू यू, बाय बाय। समोसे तो हम 8 ले आए थे, कुलचे हमने 2 ही लाए थे, हमने सोचा था रास्ते में खाएंगे पर भूल गए, हम घर ही ले आए, तो अब कुलचे सब देखो अब इसमें शेयर करने पड़ेंगे 8 बंदों को, तो हमने समोसे पकड़ा ही चुपचाप, और मैं आ गया बाहर यहाँ पे आराम से समोसे खा, पहले कुलचा खाऊंगा अपना आराम से, फिर जाऊंगा अंदर फिर समोसे खाऊंगा
बाकी वो देखो वहाँ बैठे सारे बरांडे में, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? तो आराम से कुलचा खा निकलता हूँ, शेयर करके फिर क्या मिलेगा इसमें से, कुछ भी नहीं मिलेगा। चुपचाप ठूसो और अंदर जाओ। बड़ा हरामी हो वो देखो वहाँ बैठे सारे। तो गाइस अभी हम आ गए उस स्पॉट पे जिसके मैं बात कर रहा था वीडियोस बनाने के लिए, इसके बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगी। फिलहाल रील्स बनाने के लिए कम से कम भी मैंने 30 शॉट दिए होंगे, 30 बार ही, ठीक है? इधर 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 इस बंदे ने देखो अभी भी हंस रहा है और मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है इसके पे। इसको मैं कह रहा हूँ ऐसे कर, ये बंदा सुनता ही नहीं। जैसे इसको बोल रहा हूँ ऐसे, मुझे ऐसे आज ही समझ आ गई। फिर ये बनाया, फिर वही भाई मैं कह रहा हूँ ऐसे बना, आज ही समझ मैं बनाऊंगा। इधर कहाँ छुपा है, इधर कितनी बार वीडियो बनाई है भाई, हैं कितनी बार बनाई, 10-15 बार कि 20 बार? देख लो अभी भी हंस रहा है। और कम से कम ये शॉट इतनी बार लिया ना हमने, एक रील बनाने के लिए। पर चलो कोई नहीं, सक्सेसफुली बन गई है, अप टू द मार्क नहीं पर थोड़ी सी चल जाती है, ठीक है? बाकी प्रोफेशनल तो यार है नहीं यार, कैमरा में ले घूम नहीं सकते हम, जैसे ही भी है मजे करो। फिलहाल ये व्यू देखो और फिर बात करते हैं, ठीक है? चलो बाय। Moments that no one can take away from you, that will stay with you forever. Maybe it's time to leave. Discover what you are. बालों में मैंने तेल लगाया भी नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि बालों में तेल लगाया हुआ है ना, बिल्कुल सिल्की सिल्की स्मूथ से हो गए हुए हैं। ड्रायर भी नहीं है अभी सही कर सकूँ, गला भी थोड़ा खराब सा हो गया आज, गर्म पानी पीता थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। फिलहाल ये बालों को करना पड़ेगा, नहीं तो क्या भी डालनी पड़ेगी, अजीब से ले रहे हैं बड़े। और ये देखो सामने अभी दर्श देखे थे, पर ये देखो पूरी बर्फ पड़ी है और ऊपर आ गए हैं बादल, और इसमें दिखाई नहीं दे रहे पर चल रहे हैं थोड़े थोड़े, हल्के हल्के ना मूव कर रहे हैं। सुबह यहाँ पे भी थे, अब यहाँ पे रह गए, देखो इतना अजीब से लग रहा है, ये मस्त लग रहा है ना, यहाँ पूरा आसमान साफ और यहाँ पे बादल। गाइस देखो बाहर की चीज़ तो मैंने बहुत सारी दिखा दी, पर अंदर की चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो दिख रही है पुलिस में, पुलिस दिखाई दे रही है। ये देखो ये है देसी चूल्हा, बिल्कुल ऑर्गेनिक साफ सफाई, यहाँ पे लिखने डालो ना, यहाँ से आग जलाओ, फिर यहाँ से आग वो पीछे भी जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ से दोनों साइड आग ट्रांसफर होती है, यहाँ खाना बनता है। पूरी मिट्टी की बनी हुई है, जोर से मतलब टूटने से पक्की है, काफी मिट्टी होती है, इसमें बैठ जाओ ना तब भी नहीं टूटेगी। और यहाँ पे आराम से लड़कियाँ लड़के जाते हैं, आराम से खाना बनाओ मस्त, कोई गैस की जरूरत नहीं, कोई हीटर की जरूरत नहीं, यहाँ से हीटर है पर उसको हम चलाते नहीं इतना, इसमें बनाते हैं मस्त खाना, सही बनता है बिल्कुल सही, आराम से आग जलाओ। सबसे मजा आता है मटकियाँ बोलते हैं ना उसमें, वो बिल्कुल सही आती है अंगारों के ऊपर, मजे आ जाते हैं। ये देखो यहाँ से आग ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ पे आग लगाएंगे ना, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही और यहाँ भी ट्रांसफर हो रही है ऐसे, और बिल्कुल मस्त खाना बना सकते हैं उस पर, प्यारा प्यारा देख रहे हो। ये देखो इस दुनिया की होश देखो एक बार। ओए वंश ये क्या कर रहा है? इसको घर पे फोन क्यों चलाने दे रहे, आप रोड पर ही चलाना पड़ रहा फोन इसको, हैं बोलो क्या पता क्या, इसको घर पे फोन क्यों चलाने दे रहे, रोड पर ही चला रहा फोन बेचारा, बस रोड पे आके क्या चला रहा फोन, इतना बुरा क्यों कर रहे हो उसके साथ? देखो भाई ये आ गया हम अपने खेतों में, और यहाँ बचपन में यही टाइम था, ये मट्टी के ये बच्चे थे ना, ये दिख रहे हैं, ये देखो ये टूटे नहीं होते, मतलब मट्टी काटी होती है नीचे बच्चे होते हैं। इस ऊपर में गिर गया था, मेरी बाजू पूरे अंदर चली गई थी, ये बचपन की बात है, जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ता शायद से, तब से लेकर अब तक निशाना उसका, और आज भी वही माहौल है, वही मौसम है और वही है, और तो आज बिल्कुल ध्यान से चलूंगा मैं, बाकी कुछ ऐसा ही। देखो जब मैं छोटा सा होता ना, वही फर्स्ट में पढ़ता था, तब की बात है, एक दिन ना इन्होंने मतलब उनके साथ भेज दिया बकरियों के साथ, इतने जाके उनको चला के आज, और वो बिल्कुल छोटा सा भाई 4 साल का हुआ खींच के, तो मेरे को अभी तक याद है वो दिख रहा है पत्थर, वहाँ पे था मैं खड़ा, और वहाँ पे सारे मतलब थे बकरियाँ, तो मम्मा और आए थे, फिर मम्मा आए थे, बारिश लगी थी बहुत तेज, तो मैं उस पत्थर के नीचे बैठा था, तो फिर मम्मा कहते तू जा घर पे तेरे से नहीं होगा, बारिश भी बहुत तेज लगी थी, तो फिर वापस आया वहाँ से, फिर मम्मा ने ले लिए थे, मतलब मम्मा चले गए थे उनको लेके, मैं घर आ गया था। फिर बचपन की बात था, मैं फर्स्ट सेकंड में पढ़ता था, तब की बात है, तब मेरे को भेज दिया था दादी उन्होंने कहते निकलो पे। सो गाइस अभी हम निकले थे वॉक पे, शाम हो गई है, कुछ ऐसा मौसम है ये देखो भाई और बहनों, अंधेरा होने ही वाला है इसलिए फ्लैश लाइट ऑन की है, और ये लंबू देखो अभी टेंथ में बढ़ता है, उसकी हाइट देखना एक बार, ऐसा लग रहा है 4 बच्चों का बाप है, पीछे मम्मा और आ रहे हैं, वो रे दिखाई दिए
तो हम चल रहे हैं घर की तरफ, अंदर जाएंगे, खाना खुना है। और आज ठंड हो गई है, आज ठंड हो चुकी है, मैं बता रहा हूँ, मतलब सर्दियाँ आने वाली हैं, आ चुकी है। वैसे आज ठंड लग रही है सही में, हुड पहन के भी। तो भाई इस व्लॉग को भी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है? ओके बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चों। गाने में साले बच्चा बोलता। ओके बाय बाय।